हेलो गाइज, आई एम विशाल। वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइज, ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का जो डाउट है ये क्लियर नहीं होता है कि फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है वो कंडक्शन प्रोवाइड कराता है, रिवर्स बायस में डायोड कंडक्शन प्रोवाइड नहीं कराता। डायोड ऑन फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायस में डायोड ऑन नहीं होता। तो जितना भी डाउट है आपका बायसिंग से रिलेटेड वो आज की इस वीडियो में क्लियर होगा। बट गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन नहीं पता है, ये जो मैंने डायोड बनाया है ये कैसे बना, ये जो मैंने डायोड जो ये मैंने यहाँ पे बना रखा है पीएन डायोड यहाँ पे, तो अगर आपको इसका कंस्ट्रक्शन क्लियर है तो आपको बायसिंग इजीली समझ आ जाएगी। बट अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमने जो लास्ट वीडियो थी वो इसी कॉन्सेप्ट पर डाली है, फॉर्मेशन ऑफ पीएन डायोड कैसे फॉर्म किया जाता है, ये जो मैंने बनाया ये कैसे आया। तो आप पहले उस वीडियो को प्रेफर करें, फिर इस वीडियो को देखें। अगर गाइज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका जो आने वाली वीडियोज हैं वो भी आपकी क्लियर होंगी। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जो मेरे पास पीएन डायोड है, पी में होल्स मेजोरिटी कैरेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरेट्स होते हैं, एन में रिवर्स होता है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरेट्स होते हैं, होल्स माइनॉरिटी कैरेट्स होते हैं। अब मेजोरिटी माइनॉरिटी मतलब ये है गाइस कि जो आपका होल्स है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं पी में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एन में आपका इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, होल्स कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब गाइज, ये जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म कैसे होती है ये मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, ये मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ, नहीं तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। क्योंकि इस फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि पी को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और एन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर है अलोंग डिप्लीशन रीजन वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब पी को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो होल्स निकलेंगे, इसमें ऑलरेडी होल्स हैं, आप और होल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, आप और इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। सो गाइस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आता है इस बायसिंग के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। सो गाइस, जो हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक डिप्लीशन रीजन की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में। ये है आपकी डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर एक आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपकी डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, और हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं और एक पॉइंट पर जाके जो आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डिप्लीशन की इलेक्ट्रिक रीजन की फील्ड है वो आपस में इक्वल हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। और गाइस, क्या होता है कि हमें जो करंट का फ्लो है एक पॉइंट तक लीनियरली मिलता है, मींस ओम्स लॉ के साथ ओबे करता है। अगर इसकी VA कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ये इसकी I, ये इसकी V, आपने गाइस धीरे धीरे करंट बढ़ाया, कंसीडर करिए 0.1 0.2 0.3 करके हम करंट प्रोवाइड करा रहे हैं इस डायोड को धीरे धीरे करके। तो जो हमारा करंट वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा जो करंट है वो लीनियरली इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ओबे करेगा ओम्स लॉ को एक पॉइंट पी तक। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, जो करंट का जो इंक्रीज है वो रैपिडली इंक्रीज होगा कुछ इस तरह। अब इस पॉइंट के बाद जो करंट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है ये क्यों हो रहा है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए गाइज। अब जैसे जैसे आप वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हैं, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होती जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर डिप्लीशन रीजन वैनिश हो गई, मीन्स खत्म हो गई, जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है वो रैपिडली हो गया। तो इस पॉइंट पर जाके जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस रैपिडली हो रहा है, नी वोल्टेज, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर वोल्टेज रैपिडली इंक्रीज हो रहा है उस पॉइंट को कहते हैं हम नी वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायसिंग। अब गाइस रिवर्स बायसिंग में देखें तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, पी को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, एन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स है अलोंग रीजन्स वो डिक्रीज होती है। मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर आना स्टार्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आना स्टार्ट करेगा, इसमें जो डिप्लीशन रीजन थी वो डिक्रीज हो रही थी, इसमें डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रही है। तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो करंट है वो नहीं मिलता है, जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है अक्रॉस डिप्लीशन रीजन वो नहीं हो पाता है। सो गाइस, आपने सुना होगा या आपने कभी पढ़ा होगा कि जो हमारे रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। अब वो कौन सा करंट होता है गाइस, मेजॉरिटी कैरियर्स तो सारे इधर आ गए, ये इधर आ गए, बट पी में कुछ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, एन में कुछ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो इनका मूवमेंट जो होगा इस बैटरी के अपोजिट है, मींस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो इनका मूवमेंट होता है अक्रॉस डिप्लीशन रीजन। तो जिसकी वजह से हमें रिवर्स बायस में भी एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो करंट मिल रहा है वो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स मिल रहा है, इसमें जो करंट था ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स का था, मेजॉरिटी कैरियर्स ट्रांसफर हो रहे थे, इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। सो गाइस, जो इसका ग्राफ है VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कुछ इस तरह है, ये है आपका I, ये है आपका V। सो गाइस, आप हल्का सा भी वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे तो भी आपको इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं मिलेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स इस पॉइंट तक।
इस पॉइंट पर जाके क्या होगा, जितने भी आपके माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और आपका जो पॉइंट है वो ये रीच हो जाएगा। अब गाइस इस पॉइंट के बाद भी अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो इस जो रीजन है इसके अंदर एटम प्रेजेंट है तो ये नेगेटिव चार्जेस, आपने 5 वोल्ट था, अब आपने 10 वोल्ट कर दिया, तो ये जो नेगेटिव लेयर है, पॉजिटिव प्लेट है, ये 10 वोल्ट की हो चुकी है, जिसकी वजह से जो एटम है उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन जो आपका एटम है अभी ऐसे प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ प्रेजेंट है, अब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इनका सेपरेशन आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक पॉइंट पर जाके होल अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। तो जब ये ऐसी कंडीशन अटेन हो जाएगी इस डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस, जिस वोल्टेज पर ये कंडीशन होगी उसे कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इस वोल्टेज पर जाके क्या होगा, जो करंट है वो भी रैपिडली इंक्रीज होगा। तो गाइस ये था आपका नी वोल्टेज, ये है आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। नी वोल्टेज जो होता है वो पहले ओम्स लॉ को ओबे करता है, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जो वैल्यू इंक्रीज होती है उसे कहते हैं नी वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स आता है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक करंट मिलेगा, उसके बाद जो करंट है रैपिडली इंक्रीज होगा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे। सो गाइस ये था आपका रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये है आपके बायसिंग का कॉन्सेप्ट। गाइज अगर वीडियो सही लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपकी कोई सजेशन है तो आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू।